आज के वक्त में ज्यादातर लोग पुराने जमाने के हिसाब से रहकर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। वे अब भी नौकरी पाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं और उसमें बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच वो एक बात को भूल रहे हैं कि आने वाले समय में आज से ज्यादातर काम मशीनों से करवाए जाएंगे और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इतना तो तय है कि आने वाला वक्त आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे उन्हें 2030 में नहीं बल्कि 1990 में कामयाब होना है। नए जमाने में हमें नए तरह से सोचने का और काम करने का तरीका अपनाना होगा। अब वो समय दूर नहीं है कि जब हमारे बहुत से काम रोबोट्स करने लगेंगे। आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की खोज कर ली है, जिन्होंने पहले से ही हमारे बहुत से काम हमसे छीन लिए हैं। जल्द ही ये रोबोट हमारे हर रोज के काम भी करने लगेंगे। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वे एक टीचर, डॉक्टर और वकील का काम भी करने लगेंगे। अगर आप इनमें से कोई हैं, तो जल्द ही आपका काम आपके हाथ से जाने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2013 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये बात सामने आई थी, अगले 20 सालों में हमारे 47% काम रोबोट से किए जाएंगे। इतना तो तय है कि जब बात जानकारी को स्टोर करने की और उसे प्रोसेस करने की बारी आती है, तो हम रोबोट से हमेशा पीछे रहेंगे। इसीलिए अब हमें एक नए तरीके से सोचने का तरीका चाहिए होगा। जल्दी हमारा सामना स्मार्ट मशीन एज यानी SMA से होने वाला है। इसके लिए हमें न्यू स्मार्ट बनना होगा। हमें उन कामों पर ध्यान देना होगा जो कि एक रोबोट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए गहराई से सोचना, भावनाओं को समझना और क्रिएटिव काम करना। लेकिन इस समय बहुत से लोग इस काम को कोई काम नहीं समझते। आज के वक्त में बहुत से लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम कामयाब हो जाएं और दुनिया का जो होगा उसे होने दें। इसलिए हम खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, जिससे कि तरक्की की रफ्तार धीमी हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज का अंत निश्चित है। हमारे पास एक तरीका है जिसे आप अपनी इस समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं। इन चीजों को अपने अंदर विकसित करके आप खुद को कामयाब बना सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है जिससे आप आने वाले समय में कामयाब हो सकते हैं? इनमें सबसे पहले आता है अपने ईगो को शांत करना। इसका मतलब है कि खुद के विचारों को हमेशा ही सही साबित करने की कोशिश ना करना और खुद को या चीजों को सामने वाले की नजर से देखने की कोशिश करना। अगर किसी व्यक्ति ने कहा है कि आपका काम बेकार है, तो आप ये मत कहिए कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को काबू करना सीखिए। कभी भी अपने डर को अपने काम के रास्ते में मत आने दीजिए, वरना आप कभी भी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। खुद को अपनी कमजोरी से बाहर निकालिए और उनका सामना कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे और ना ही आने वाले समय के लिए तैयार हो पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह की सोच को खुद पर हावी होने मत दीजिए। इस तरह से सोचकर आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको अच्छे से सुनना सीखना होगा। आपको खुद को बोलने वाली जगह पर रखकर ये महसूस करना होगा कि वो जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है और वो ऐसा क्यों बोल रहा है। बहुत से लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अगर वे उस बात को मानते हैं लेकिन सामने वाला उसका उल्टा कहता है, तो वो सुनने से पहले ही मान लेते हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है। आपको खुद को इससे आजाद करना होगा। अंत में आपको दूसरों के साथ मिलजुल कर उनसे अच्छा रिश्ता बनाना सीखना होगा। इससे ही आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे और क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएंगे, जो कि ऐसे समय में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान की मदद से आप अपने ईगो को शांत कर सकते हैं। हमारा ईगो कभी कभी हमारी परेशानी की वजह बन जाता है। इससे हम चीजों को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से वे हैं, बल्कि उस तरह से देखते हैं जैसे हम हैं। इसीलिए आपको इससे छुटकारा पाने के लिए ध्यान का सहारा लेना होगा। ध्यान का मतलब आप प्रेजेंट में रहकर अपनी भावनाओं को बिना अच्छा बुरा कहकर उन पर ध्यान देते हैं। ध्यान करने के लिए आप सबसे पहले एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। आप चाहे तो लेट सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं। इसके बाद किसी भी एक चीज को उठाइए और उस पर ध्यान लगाइए। वो चाहे तो कोई चीज हो सकती है, कोई पॉजिटिव भावना हो सकती है या फिर आपके शरीर का कोई अंग। आप चाहे तो अपने दिल की धड़कन या फिर सांसों पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी भावनाओं को एक अलग नजर से देख पाएंगे। आप खुद को खुद से अलग करके अपनी भावनाओं को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखकर उन्हें समझ पाएंगे। इससे आप उन्हें काबू करना सीखेंगे और समय आने पर उन्हें खुद पर हावी होने से रोक पाएंगे। इसके बाद आता है ये सीखना कि किस तरह से आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सोचने की रफ्तार को कम करके उस पर ध्यान देना होगा, ताकि आप खुद को अच्छे से समझ सके और उसके हिसाब से खुद को मैनेज कर सके। धीरे सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे या फिर दूसरों से पीछे हो जाएंगे,
ये सिर्फ आपका डर है जो आपको कुछ अलग करने से रोकता है। अगर आप हर वक्त बहुत तेज काम करते रहेंगे तो आपको कभी ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही तेज काम करने से आपको हमेशा तकलीफ ही होगी, इसलिए खुद को मैनेज करने के लिए आपको खुद पर ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको अपनी रफ्तार कम करनी होगी। नए जमाने में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अपने सोचने के तरीकों को और अपने पुराने विश्वास को बदलना होगा। नए वक्त में सब कुछ नया होने वाला है और हम इस पुरानी सोच से कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया जिस तरह की हुआ करती थी, हम कुछ उसी तरह से सोचा करते हैं, लेकिन हमें उस तरह से सोचना सीखना होगा जिस तरह से दुनिया होने वाली है। शुरुआत से ही हमारे धर्म, हमारे आसपास के लोग, हमारे टीचर हमारे सोचने के तरीकों को बनाते हैं और ये लोग पुराने जमाने की सोच के हिसाब से काम करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम भी इसी तरह के सोचने और काम करने लगते हैं। पुराने वक्त में लोग नौकरी पाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, लेकिन नए जमाने में इस तरह का काम करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए कामयाबी पाने के लिए आपको अपना मॉडल अपडेट करना होगा, आपको विनम्रता को अपनाना होगा और इसके हिसाब से काम करना सीखना होगा। विनम्रता को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुद को सामने वाले से कम दिखाइए और उसके सामने छोटा बनकर बात कीजिए, बल्कि ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसकी मदद से आप अपने पुराने जमाने की सोच को साफ कर सकते हैं और सामने वाले को समझने की कोशिश कर सकते हैं। विनम्रता में आप दूसरों पर फोकस करके उसकी बात को खुले दिमाग से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। इससे आप हमेशा अपने ख्यालों में ही उलझे रहना और हमेशा खुद को ही सही मानना बंद कर देते हैं। कुछ आसान से तरीकों का इस्तेमाल करके आप लोगों को अच्छे से सुनना सीखिए। लोगों को अच्छे से सुनने की शुरुआत होती है उन्हें अपना पूरा ध्यान देने से। इसमें आप उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं जिसे उन्हें लगे कि आप उनकी बात को सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही लोगों की बातों को सुनकर उनके बारे में तुरंत अच्छा या बुरा मत सोचिए। बहुत बार हम लोगों की बात इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे कम समझदार हैं, लेकिन हो सकता है कि वे आपके दिमाग में कम समझदार हों लेकिन असल जिंदगी में कुछ जानते हों जो आपके काम का हो। इसीलिए हर किसी को सुनने की कोशिश कीजिए, हो सके तो सुनते वक्त एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपने लिख रखा हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपकी चेकलिस्ट में लिखा हो सकता है, समय समय पर सर हिलाओ, बीच में बात को मत काटो, फोन को जेब में रख लो, ध्यान भटकने से रोको। इसके बाद आपको दूसरों की भावनाओं के साथ जुड़ना होगा, साथ ही सामने वाले को ये भी दिखाना होगा कि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप सुनते वक्त पलक झपकाइए, सिर हिलाइए और उन्हें ये महसूस कराइए कि उन्होंने आपका ध्यान पूरी तरह से खींच लिया है। उनसे बात करते वक्त मुस्कुराइए। तो अगली बार जब भी आप किसी से मिलें तो सबसे पहले अपने फोन को अपने हाथ में बिल्कुल मत रहने दीजिए और इन आसान से तरीकों का इस्तेमाल करके उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से लोग आपको पसंद करने लगेंगे और उनके साथ आपके जो रिश्ते बनेंगे वो लंबे समय तक चलेंगे। कुल मिलाकर जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और हम में से ज्यादातर लोग आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं है। नए जमाने में कामयाब होने के लिए आपको गहराई से सोचना, लोगों की भावनाओं को समझना और क्रिएटिव तरीके से काम करना आना चाहिए। लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपको विनम्रता को अपनाना होगा, जो कि SME में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। क्या करें, खुद से पूछिए कि आप किस तरह से सोचते हैं। कभी कभी खुद पर काबू करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे का मकसद कई तरह से सोचने की कला को विकसित करना है, ताकि आप हर हालात में खुद को एक तरह से सोचता हुआ ना पाए। कभी कभी हम बहुत तेज सोचते हैं और अपने आप काम करते हैं, कभी कभी हम आराम से सोचते हैं। अगर आप कुछ समय लेकर ये पता करेंगे कि किस तरह के हालात में आपको किस तरह से सोचने का तरीका अपनाना चाहिए, तो आप खुद को और अपने दिमाग को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।